हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम अजय सिंह, योर मैथ्स एजुकेटर। तो एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम्स 9 पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अर्थमेटिक का पूरा पोर्शन यहां पर कंप्लीट कर लिया है। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एडवांस मैथ का टॉपिक होने वाला है। तो आज से जो हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस मैथ्स की, ठीक है। तो एडवांस मैथ्स में जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो हम लोग मेंसुरेशन का हो गया, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, सारी चीजों के बारे में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अर्थमेटिक वाला पोर्शन बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। अर्थमेटिक में हम लोगों ने सारे चैप्टर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किए हैं, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एडवांस मैथ की ओर बढ़ेंगे और एडवांस मैथ के बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और फिर हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बिना देर किए हुए आइए चलते हैं अपनी स्लाइड पर और समझते हैं आज का टॉपिक हमारा कौन सा है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेंसुरेशन है, और मेंसुरेशन के टॉपिक में हम लोगों को बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। ये जो सीरीज चल रही है आपके लिए, ये एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ठीक है, या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक। तो आप लोगों को क्या करना है कि कॉपी पेन लेकर के बैठिए और मेरे साथ पूरी तरीके से नोट्स प्रिपेयर करिए, ठीक है। अगर आपने एक बार नोट्स प्रिपेयर कर लिए अच्छे से तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपके काम आने वाले हैं, ठीक। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं मेंसुरेशन की, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं मेंसुरेशन की, तो देखो पहले मैं आपको कुछ इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में बता देता हूँ, बेसिक चीजों के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेंसुरेशन की, ठीक। तो देखो, मेंसुरेशन को क्या किया गया है, मेंसुरेशन को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। मेंसुरेशन को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लो। मेंसुरेशन को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। क्या कहते हैं, क्षेत्रमिति कहते हैं, ठीक है। क्षेत्रमिति का मिति का मतलब होता है किसी भी एरिया का मेजरमेंट करना, किसी क्षेत्र का मेजरमेंट करना। मेजरमेंट कैसे होगा, मेजरमेंट्स या तो एंगल्स का हो सकता है या फिर किसका हो सकता है, साइड्स का हो सकता है, ठीक है। तो मेजरमेंट दो चीजों का होता है, एक एंगल्स का होता है और दूसरा साइड्स का होता है, ठीक। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं 2D फिगर और 3D फिगर की, ठीक है। तो एक हमारा होता है 2D फिगर मेंसुरेशन में और एक होता है 3D फिगर, ठीक है। जो बेसिकली हमारे 2D फिगर होते हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ये एरिया बेस्ड फिगर होते हैं। कैसे होते हैं, ये एरिया बेस्ड फिगर होते हैं, ठीक है, एरिया बेस्ड फिगर होते हैं। और जितने 3D फिगर होंगे आपके, ये सभी के सभी क्या होंगे, वॉल्यूम बेस्ड फिगर होंगे, यानी कि आयतन पर आधारित इस पे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो 2D और 3D के बारे में आपने समझ लिया। 2D क्या होगा, 2D होगा टू डायमेंशनल, यानी कि जिसमें एरिया बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 3D का मतलब क्या है, थ्री डायमेंशनल, यानी जिसमें वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक। सॉरी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 2D फिगर की, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है वो समझ लो आप। देखिए, सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना होगा ट्राइंगल। क्या पढ़ना होगा, ट्रायंगल पढ़ना होगा। सेकंड हमें इसमें क्या पढ़ना होगा, सर्कल पढ़ना होगा, ठीक है। थर्ड हमें इसमें क्या पढ़ना होगा, हमें इसमें क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने होंगे। क्या पढ़ने होंगे, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने होंगे, ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, वॉल्यूम बेस्ड की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें क्या पढ़ना होगा, इसमें हमें पढ़ना होगा क्यूबॉइड, ठीक। दूसरे नंबर में हमें इसमें पढ़ना होगा क्यूब। तीसरे नंबर में हमें पढ़ना होगा सिलेंडर, ठीक। फिर हमें इसी में क्या पढ़ना है, इसी में हमें पढ़ना है कोन, ठीक। इसी में हमें पढ़ना है फ्रस्टम, ठीक है, फ्रस्टम यानी छिन्नक, ठीक है। फिर इसी में हमें पढ़ना है स्फेयर यानी कि गोला। सातवें नंबर में हमें पढ़ना है हेमिस्फेयर यानी कि अर्धगोला, ठीक। और फिर हमें इसी में आठवें नंबर में पढ़ना है प्रिज्म, और फिर हमें नौवें नंबर में इसी में पढ़ना है पिरामिड। पिरामिड, क्लियर है बात। तो ये जो सेक्शन है ये आपका किसका है, एडवांस मैथ का है। एडवांस मैथ में मेंसुरेशन में 2D और फिगर का, ये 2D और 3D फिगर का, ये आपको ये सिलेबस में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखो, इतना तो हमारा हो गया जो हमें मेंसुरेशन में पढ़ना है, ठीक। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं मेंसुरेशन में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, ट्रायंगल पढ़ना है, ठीक है। तो एक बात जरा पहले समझ लो। देखो,
मेंसुरेशन में ट्रायंगल को तीन पार्टों में डिवाइड किया गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, पहला पार्ट जो है ट्रायंगल का, वो हमारा क्या होगा? वो हमारा होगा स्केलेन ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल होगा? स्केलेन ट्रायंगल होगा। क्लियर है बात? ठीक। दूसरा हमारा होगा आइसोसेलेस। दूसरा हमारा क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। क्लियर। तीसरा हमारा होगा इक्विलेटरल। इक्वी लेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है बात? ये तीन तरीके के ट्रायंगल्स को हमें डिस्कस करना है, किसमें? मेंसुरेशन में। ठीक। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है। आइसोसेलेस का मतलब होता है समद्विबाहु, सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। और इक्विलेटरल का मतलब होता है समबाहु, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है। तो कितने तरीके के ट्रायंगल हो गए? तीन तरीके के ट्रायंगल हो गए। ठीक। अब सबसे पहले देखो, अगर हम ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हैं, यानी ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं अगर हम, तो पहले ये समझ लो कि ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है। ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? अ रीजन, अ रीजन बाउंडेड बाई, अ रीजन बाउंडेड बाई थ्री साइड्स, अ रीजन बाउंडेड बाई थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल, इज कॉल्ड ट्रायंगल। क्लियर है? ये क्या हो गई? ट्रायंगल की डेफिनेशन हो गई। क्या? कि अ रीजन बाउंडेड बाई थ्री साइड्स, अ रीजन बाउंडेड बाई थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल, यानी कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब ट्रायंगल के बारे में हमने समझ लिया, तो इन्हीं ट्रायंगल को के ये क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है। क्या है ये? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है। क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है। क्लियर है बात? और ट्रायंगल कितने टाइप के होंगे? यहां पर तीन टाइप के होंगे। पहला स्केलन, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये बात क्लियर हो रही है सभी को? ठीक। तो आप लोग एक काम करिएगा कि इस सभी का आपको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अच्छा, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आगे जरा इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर आइसोसेलेस ट्रायंगल की, सॉरी स्केलेन ट्रायंगल की। ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? देखो, स्केलेन ट्रायंगल होता है विषम बाहु त्रिभुज, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, यानी कि अलग अलग होती हैं। ठीक है। जिनका सभी का मेजरमेंट क्या होगा? अलग अलग होगा। ये बात क्लियर है? तो सबसे पहले जो हम लोग हेडिंग डालेंगे, वो हम लोग हेडिंग किस चीज की डालेंगे? स्केलेन ट्रायंगल की डालेंगे। किसकी डालेंगे? स्केलेन ट्रायंगल की। ठीक। तो पहले समझो स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, पहले इसको ध्यान से समझो, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल को जैसा कि नाम से पता है कि विषम बाहु त्रिभुज। तो देखो, जैसे मान लो हमने एक ये ट्रायंगल बना दिया। ठीक। हमने एक ये ट्रायंगल बनाया। अब देखो जरा, अगर ये ट्रायंगल है तो इसके तीन वर्टिसेस होंगे, यानी इसके शीर्ष होंगे। ठीक है। शीर्षों को बोलते हैं वर्टिसेस, ए बी और सी। क्लियर है बात? मान लेते हैं हम कि इसकी एक साइड कितनी है? इसकी एक साइड है ए, एक साइड है बी और एक साइड है सी। क्लियर है बात? देखो, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है। अगर मान लो मुझे इस पर एक हाइट खींच दी जाए, इस ट्रायंगल पर, अगर इस ट्रायंगल पर एक हाइट खींच दी जाए, तो इस तरीके से इस पर क्या बन जाएगी? हाइट बन जाएगी। क्लियर है बात? ये क्या हो गई? इसकी हाइट हो गई h। ठीक। तो अगर मैं इस ट्रायंगल के पेरीमीटर की बात करता हूं, पेरीमीटर, ठीक है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? हिंदी में हम इसे कहते हैं परिमाप। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। ठीक है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, सभी भुजाओं का योग। तो देखो, अगर हम इसके परिमाप की बात करेंगे तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं इसके सेमी पेरीमीटर की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? इसके सेमी पेरीमीटर, है ना। तो देखो, इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा? सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है अर्ध परिमाप। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है अर्ध परिमाप। ठीक। तो इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा क्या? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यानी कि परिमाप का आधा, है ना, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। और इसको हमेशा डिनोट किससे किया जाता है? स्मॉल एस से। किससे डिनोट किया जाएगा इसको? स्मॉल एस से डिनोट किया जाएगा। बोलो, ये बात क्लियर हो रही है? ठीक। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो
देखो दुनिया का कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसका बेस और हाइट पता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट, ये होता है, क्लियर है। तो देखो ये हो जाएगा 1/2 इनटू बेस कितना है, देखो ए है, ठीक है, हाइट कितनी है, एच है, तो ये क्या हो गया, इसका एरिया हो गया, क्लियर है बात। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या हो गया, 1/2 बेस इनटू हाइट से, ये चीज क्लियर हो रही है सभी को, ठीक। अच्छा अब अगर मान लो कि किसी स्केलिन ट्रायंगल की साइड ना पता, की हाइट ना हमें पता हो, किसी स्केलिन ट्रायंगल की हमें हाइट ना दी गई हो, केवल और केवल क्या दी गई हो, साइड्स दी गई हो, ठीक है, तब हम एरिया का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या लगाएंगे, जब हमें केवल क्या पता होंगी, साइड्स दी गई होंगी, साइड्स गिवन होंगी, क्लियर है बात, साइड्स गिवन होंगी और हाइट नहीं दी गई होगी, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू लगाएंगे रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम हीरोज फॉर्मूला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हीरोज फॉर्मूला बोलते हैं, क्लियर है बात, आपने पढ़ रखा होगा पहले ही हीरोज फॉर्मूला। और एस क्या है यहां पर, एस है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, बोलो ये बात क्लियर हो रही ना, ये क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर हो गया, बोलो ये चीज क्लियर है ना, ठीक। अब देखो इसी में अगर मैं स्केलेन ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो मान लो मैंने ये स्केलेन ट्रायंगल बनाया, सपोज दैट, समझना बात, ये मैंने स्केलेन ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। अब देखो इस स्केलेन ट्रायंगल के अंदर मान लो कोई सर्कल बनाया गया है, ठीक है, इस स्केलेन ट्रायंगल के अंदर ये हमने क्या कर दिया, एक सर्किल बना दिया, ये सर्किल का सेंटर है और ये हमारी क्या हो जाएगी, ये आपको पता है ये 90 डिग्री होगा, यानी किसी सर्किल की टेंजेंट को अगर हम उसकी रेडियस से मिला दें, तो ये जो एंगल बनेगा कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक। तो ये क्या हो गया, देखो स्मॉल आर हो गया, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा इन सर्कल, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन सर्कल, इन सर्कल को हिंदी में कहते हैं अंतःवृत्त, क्या कहते हैं, अंतःवृत्त कहते हैं, अंतःवृत्त, ठीक है। तो इसकी जो आर है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इन रेडियस, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इन रेडियस हो जाएगी, ठीक है। इन रेडियस का मतलब है अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो आर बराबर होता है डेल्टा बाई एस, क्या होता है, आर बराबर डेल्टा बाई एस, डेल्टा का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, जैसा कि आपने पहले पढ़ रखा है, सेमी पेरीमीटर, बोलो क्लियर है बात, ये हो गया सेमी पेरीमीटर। तो आर बराबर क्या हो गया, डेल्टा बाई एस हो गया, ठीक। अब देखो अब अगर मान लो इसी में हम क्या करते हैं, इसको रेडियस मान लेते हैं, किसको, इस चीज को, अगर हम इसको रेडियस मान लेते हैं और फिर एक वृत्त बनाएंगे, तो एक जो वृत्त बनेगा वो आपका कहां से बनेगा, वो आपका यहां से बनेगा, ठीक है। ये जो आपने सर्किल बनाया, इसकी जो रेडियस हो गई वो क्या हो गई, कैपिटल आर हो गई। तो कैपिटल आर इक्वल्स टू क्या होता है वो समझ लो, कैपिटल आर इक्वल्स टू होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, और डेल्टा का मतलब क्या है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आर बराबर, कैपिटल आर बराबर एबीसी बाई 4 डेल्टा, और स्मॉल आर बराबर क्या हो गया, डेल्टा बाई यस हो गया, क्लियर है बात। तो ये पूरा किसके बारे में था हमारा, ये पूरा था हमारा स्केलेन ट्रायंगल के बारे में, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज के बारे में, ठीक। तो आप एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि फर्दर इन कॉन्सेप्ट्स की हमें वहां पर जरूरत पड़ेगी, तो इन कॉन्सेप्ट्स को हम वहां पर यूज कर लेंगे। बोलो ये चीज क्लियर हो रही है सभी को, ठीक। चलिए तो ये तो बात हो गई भाई हमारी किसकी, स्केलेन ट्रायंगल की, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, किसकी बात करेंगे, अब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है। तो आइए अब पढ़ते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल को और समझते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना। तो देखते हैं जरा, एक सेकेंड, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तब तक जो आप लोगों ने नोट डाउन किया है उसको आप एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, ताकि ये फॉर्मूले आपके दिमाग में अच्छे से क्या हो जाए, सेट हो जाए, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ठीक है, क्योंकि तो देखो ये बेसिक चीजें बताना बहुत जरूरी है, अगर ये बेसिक चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा तो फिर आप क्वेश्चन में प्रॉब्लम फेस करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने में आपको इनकी बहुत ज्यादा नीड पड़ने वाली है, ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, ठीक।
ये बात क्लियर हो रही है सभी को? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नंबर है वो किसका है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होंगी? जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। ठीक, तो ये हमारा क्या था? देखो ये हमारा था ए, ये हमारा क्या था? ये ए वर्टिसेस था, ये हमारा बी वर्टिसेस था और ये हमारा सी वर्टिसेस। तो मान लो ये साइड ए है, ये भी साइड ए है और ये साइड कितनी है? बी है। ठीक है, अगर मुझे इसकी हाइट दे दी गई, अगर मुझे इसकी हाइट दे दी गई तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो फॉर्मूला लग ही जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं देखो पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा? 2a+b हो जाएगा, 2a+b हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, इसके बाद अगर मैं इसकी हाइट की बात करता हूँ, समझना, अगर मैं इसकी हाइट की बात करता हूँ तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? देखो ये होगी इसकी हाइट, है ना? तो इसकी हाइट जो होगी h, हाइट h बराबर हो जाएगा √1/2 √4a² - b² क्या हो जाएगी? 1/2 √4a² - b² अब देखो ये आया कैसे होगा? देखो ये जो आपने परपेंडिकुलर खींचा है, ये साइड परपेंडिकुलर बाईसेक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा? देखो b/2 हो जाएगा, है ना? अब ए बी अगर हम इसको डी पॉइंट मान लें, तो ट्रायंगल ए बी डी में, जरा समझना, ट्रायंगल ए बी डी में क्या ए स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू h² + b/2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा देखो a² = h² + b² / 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया? देखो 4h² + b² बराबर कितना हो जाएगा? ये 4a² हो जाएगा। ठीक, तो यहां से 4h² = क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4a² - b² तो h = हो जाएगा √4a² - b² / 4। यहां से क्या वैल्यू बाहर आ जाएगी? 1/2 और इधर बचा क्या? √4a² - b² यही इसकी क्या हो रही है? देखो हाइट है, तो ये हमने हाइट यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी है। ठीक, अब आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल की अगर हमें हमें हाइट पता है तो जो उसका एरिया होता है, उसका एरिया क्या हो जाता है? 1/2 × बेस × हाइट, 1/2 × बेस × हाइट। ये हमने फॉर्मूला पहले से पढ़ रखा है। तो ये हो गया 1/2 × बेस कितना है? देखो बेस पूरा बी है, इंटू हाइट हमने अभी अभी निकाल ली, 1/2 √4a² - b² तो 1/2 क्या हो गया? देखो 1/4, ये हो गया 1/4 × b और ब्रैकेट के अंदर हो गया √4a² - b² बोलो ये चीज क्लियर हो रही है सभी को? ठीक, तो ये क्या हो गया? इसका एरिया हो गया, किसका? आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ये एरिया होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। बोलो ये बात क्लियर हो रही है ना? ठीक, अब जैसे आपको इन रेडियस और सर्कम रेडियस निकालनी है, तो डेल्टा बाई एस और एबीसी बाई 4 डेल्टा से आप इसका इन रेडियस और सर्कम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। ये चीज सभी को क्लियर हो रही ना? ठीक, तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है? ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसकी दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला इसका पेरीमीटर इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए, दूसरा इसकी हाइट इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए, और एरिया इसका नोट कर लीजिए। तो ये 1, 2 और 3, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके, आइसोसेलेस ट्रायंगल के। ठीक है, तो एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के बाद किसकी? इक्विलेटरल ट्रायंगल की। किसकी बात करेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं जरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जस्ट अ मिनट, इसको रफ कर देता हूं। चलिए देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, समझ लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में अगर हम बात करें, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। किसकी बात करेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर होंगी। ठीक है, तो ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं इसकी ऐसे मान लो एक हाइट खींच देता हूं, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? हाइट। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पहले तो ये समझ लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 3a। ठीक, अच्छा अब हम बात करेंगे इसकी हाइट की। ठीक है, तो जैसे हमने साइड परपेंडिकुलर बाईसेक्टर खींचा था, a/2 a/2, पाइथागोरस जब लगाएंगे तो ये बन जाएगा √3/2a। ठीक है, और इसके एरिया की जब हम बात करेंगे, तो इसका एरिया हो जाएगा √3/4a². a का मतलब क्या है? a क्या है? साइड ऑफ द ट्रायंगल है। a क्या है?
साइड ऑफ ट्रायंगल है। बोलो क्लियर है बात? ठीक। अच्छा अब देखो, अगर आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है तो इसके अंदर एक क्या होगा, सर्कल बना देंगे अगर आप, ये क्या हो जाएगा, इन रेडियस हो जाएगी। बोलो इन सर्किल है तो ये क्या हो गई आपकी, इन रेडियस हो गई। और अगर आपकी ये इन रेडियस है, समझना बात को, अगर आपकी यहां से लेकर के यहां तक ये आपकी क्या है, इन रेडियस स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर की जो वैल्यू होगी वो होगी ए अपॉन 2√3। ठीक है। और यहां पर जब आप कैपिटल आर बनाएंगे, ये वाली जब आप रेडियस लेंगे, ठीक है, जब आप कौन सी रेडियस लेंगे, ये वाली जब आप रेडियस ले लेंगे ये चीज, ठीक है, तो ये जो सर्किल बनेगा ये इसके कहां से बनेगा, बाहर से होते हुए बनेगा, तो ये कैपिटल आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बाई √3 हो जाएगा। ठीक है। तो जब कभी भी आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो पूछा जाए, यानी सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो पूछा जाए, तो ये हो गया देखो ए बाई √3 और ये हो गया रेशियो ए बाई 2√3। ये बात क्लियर हो रही ना, ए से ए कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो ये हो गया 1:1/2। तो जैसे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2:1। तो कैपिटल आर रेशियो स्मॉल आर, यानी कि कैपिटल आर रेशियो स्मॉल आर इक्वल टू कितना हो गया, 2:1 हो गया। ये बात क्लियर हो रही है सभी को, यानी सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो हमेशा कितना होगा, 2:1 होगा। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक। तो हमेशा अगर याद रखिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर आपसे सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो पूछा जाए तो हमेशा आप कितना देंगे आंसर, 2:1 देंगे। ठीक है। अब देखो यहां पर तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला इसका पेरीमीटर, दूसरा इसकी हाइट, तीसरा इसका एरिया, ठीक है, चौथा इसका सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो। और सर्कम रेडियस कितना होता है, ए बाई √3, और इन रेडियस कितना होता है, ए बाई 2√3। बोलो ये बात क्लियर हो रही है? ये किसकी बात हो गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो गई। ठीक। चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में अगर बाद अगर हम बात करें तो आएगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा आएगा हमारा, इसके बाद हमारा आएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को भी एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज जिसे कहते हैं, जिसका एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, जिसका एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है ना बात? तो उसको जरा समझते हैं भाई, ये 90 डिग्री क्या है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें पाइथागोरस ही आप लगाते हैं ना, क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यही पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है। तो अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो हम लोग बात करने जा रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है जरा समझना, जैसे मान लो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है। ये आपका कितना है देखो, 90 डिग्री हो गया। अब यहां पर अगर मैं इसका शीर्ष लिखूंगा तो ये होगा ए, ये होगा बी और ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है। अब ये बताओ ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की अगर आप पेरीमीटर की बात करेंगे, पेरीमीटर है ना, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, देखो इसका पेरीमीटर तो यही हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी है ना, या फिर हम कहें पी प्लस बी प्लस एच, ये हो गया इसका पेरीमीटर। क्लियर है बात? अच्छा अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूं तो एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है बी और परपेंडिकुलर कितना है हाइट पी। क्लियर है बात? ये इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। अब देखो अगर इसके अंदर आप एक सर्कल बनाते हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका इन सर्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन सर्किल हो जाएगा। और अगर इसका ये इन सर्किल हो गया तो सेंटर से लेकर के सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, स्मॉल आर। तो इसकी जो इन रेडियस होगी, इसकी जो इन रेडियस होगी वो होगी ए प्लस बी माइनस सी बाई टू, ए प्लस बी माइनस सी बाई टू, यानी कि परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई टू, ये इसकी क्या होगी, इन रेडियस होगी। इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा यहां पर याद रखिएगा। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। क्या इतनी चीजें क्लियर हो रही है सभी को? ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा ट्रायंगल हो गया। पहले हमने क्या पढ़ा, स्केलन, दूसरा हमने क्या पढ़ा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा हमने क्या पढ़ा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक। और चौथा हमने क्या पढ़ा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये तो बात हो गई भाई ट्रायंगल के बारे में। ठीक है। अब देखो ट्रायंगल के बाद जो नंबर आएगा आपका, वो नंबर आएगा सर्कल का पढ़ने का। किसका नंबर आएगा, सर्कल का। ठीक है। अब थोड़ा सा सर्कल के बारे में समझ लेते हैं। देखो भाई सर्कल यानी कि वृत्त। ठीक है। देखिए समझना, सर्कल की बात हम कर रहे हैं, सर्कल। ठीक है। तो सर्कल यानी कि किसकी बात हो रही है, वृत्त की। देखो ये आपने एक वृत्त बनाया। ठीक है। ये क्या हो गया, इसका सेंटर, ये सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। और अगर मैं इससे इसको मिला दूं तो ये पूरा क्या बन जाएगा, अगर ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, तो ये डायमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो देखो जो डायमीटर होगा
जो डायमीटर होगा, ठीक है, ये क्या होगा, टू टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस होगा, इसकी त्रिज्या का दोगुना होगा। ठीक, ये बात क्लियर है सभी को? अच्छा, अगर मैं इसके सरकमफ्रेंस की बात करता हूँ, सरकमफ्रेंस की बात करता हूँ, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। ठीक, सरकमफ्रेंस हो गया कितना, 2 पाई आर हो गया। ठीक, अच्छा, और रेडियस बराबर क्या होता है, डायमीटर बाई 2 होता है। रेडियस बराबर क्या होता है, डायमीटर बाई 2 होता है। तो ये चीज क्या क्लियर हो रही है सभी को? रेडियस बराबर डायमीटर बाई 2, सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर। ठीक है, अब अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूँ, तो एरिया क्या हो जाएगा, देखो इसका पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसी में एक आपका अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मान लो आपने एक वृत्त बनाया, ठीक है, और एक वृत्त इसके बाहर से आपने बना दिया, ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है स्मॉल आर है और इसकी जो रेडियस है ये कैपिटल आर है। क्लियर है बात? तो बोला जा रहा है कि दोनों वृत्तों के बीच में ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है आपको, ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है आपको दोनों वृत्तों के बीच में, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या बनेगा? देखो जरा ये बताओ, पहला क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, फिर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो गया, या फिर हम कह सकते हैं एरिया ऑफ पाथ भी, एरिया ऑफ पाथ भी बोल सकते हैं, क्या, पाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? अच्छा, अब देखो जरा यहां पर, अगर मैं मान लेता हूं यहां पर मैं अर्धवृत्त बनाता हूं, क्या बनाता हूं मैं यहां पर, यहां पर मैं बनाता हूं अर्धवृत्त। ठीक है, यहां पर मैं क्या बना रहा हूं, यहां पर मैं अर्धवृत्त बना रहा हूं, यानी कि सेमी सर्किल बना रहा हूं। क्लियर, तो ये बताओ ये इसका क्या हो गया सेंटर, सेंटर से लेकर के सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस क्या होगी, आर होगी, या स्मॉल आर, आप जो भी मानना चाहें आप मान लीजिए। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसके सर्कमफ्रेंस की बात करता हूं, इसके सर्कमफ्रेंस की बात करता हूं, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर बाई 2, यानी कि पाई आर हो जाएगा। बोलो क्लियर है बात? ठीक, अच्छा, अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूं, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि पूरे का पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं इसकी किसकी बात करता हूं, इसके परिमाप की बात करता हूं, तो परिमाप क्या होता है, देखो ये गए और ये आ गए, ठीक है, तो इसका अगर मैं पेरीमीटर निकालता हूं, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, देखो पेरीमीटर का मतलब होगा सरकमफ्रेंस, यानी कि पाई आर प्लस ये आर, और आर कितना हो गया, 2 आर। क्लियर है, तो यहां से क्या हो गया, देखो आर कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा, पाई प्लस 2 बचा। बोलो क्लियर है बात ना? तो ये क्या हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये आपका हो गया सेमी सर्कल, ये आपका हो गया सर्किल, और ये आपका हो गया सर्कुलर रिंग। क्लियर है ये चीज? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, यार समझते हैं। देखिए अब अगर मैं इसी सर्कल में सेक्टर ऑफ सर्किल की बात करता हूं, सेक्टर ऑफ सर्किल क्या होता है वो जरा समझ लो आप। ठीक, देखो सेक्टर ऑफ सर्किल, देखिए सेक्टर ऑफ सर्किल की अगर मैं बात करता हूं, तो मान लो ये मेरा एक सर्किल है पूरा। ठीक है, अब देखो मैंने यहां से क्या कर दिया, डायमीटर बना दिया, ये जीरो है, ये ओ है सेंटर मेरा, ये आर है। ठीक, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने क्या किया है, मैंने यहां पर एक सेक्टर ऑफ सर्किल काटा है, मैंने एक सेक्टर ऑफ सर्किल काटा है ये वाला, ठीक है, ये वाला सेक्टर ऑफ सर्किल काटा है, तो इसका एरिया कितना होगा? तो देखो सबसे पहली चीज बताओ, ये जो शेडेड रीजन है इसके लिए पूरे का एरिया क्या होता है, देखो पाई आर स्क्वायर है ना, ये कितने डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री एंगल पर ये जो एंगल पूरा सर्कल बन रहा है इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। आपको एरिया कितने का चाहिए, 180 डिग्री का, आधा चाहिए, तो 180 से आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वही यहां पर लिखा हुआ है। ठीक, लेकिन अगर मैं ये कह देता हूं कि एक मैंने ये वृत्त बनाया, ये सेंटर हो गया, मैंने कहा यहां पर ये जो एंगल बन रहा है आपका, समझना, मैंने आपसे कहा यहां पर ये जो एंगल बन रहा है, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री का। ठीक है, अब आप सेक्टर ऑफ सर्किल बनाइए, तो देखो अगर एंगल हमारा 60 डिग्री का है, तो आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर जो होता है ये हमारा 360 डिग्री का होता है, और हमें चाहिए अब कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, तो 60 से हम 360 को डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, 6, यानी इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं ये पूरा सर्किल है, इसके मैंने तीन चार बराबर पार्ट किए, तो ये कितना हो गया बताओ, 90 डिग्री हुआ, तो ये जो हमारा शेडेड रीजन है इसका एरिया क्या होगा, तो देखो पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, 360, हमें चाहिए कितने का, देखो 90 डिग्री का, तो 90 से 360 को डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा,
तो पाई आर स्क्वायर बाई क्या हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब देखो ये चौथाई भाग है पूरे वृत्त का, यानी कि 1/4 पार्ट है। बोलो ये चीज क्लियर हो रही है सभी को? ठीक, तो ये बात किसकी हो गई भाई, ये बात हो गई आपकी सेक्टर ऑफ सर्किल की। ठीक है, अब देखो सेक्टर ऑफ सर्किल के बाद अगर मैं बात करता हूं, जैसे मान लो कि आपने कोई एक सर्कल बनाया, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई एक सर्कल बनाया और उस सर्कल में आपने क्या किया, एक चाप खींचा, यानी एक आर्क लगाया है, आपने क्या खींचा, एक चाप खींचा है। ठीक, तो जरा बात को समझिएगा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपने एक ये वृत्त बनाया है, ठीक है, एक सर्किल बनाया है, ये सेंटर हो गया। अब देखो जैसे मान लो आपने एक ये चाप लगा दिया, ये आपका ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया, ये क्या हो गया ओ हो गया। तो आपने क्या किया, देखो एक ए बी चाप लगाया, ठीक है। अब जब आप ये ए बी चाप लगा देंगे तो एरिया तो ये कवर होगा, ठीक, लेकिन मैं अगर ए से लेकर के बी तक की लंबाई की बात करता हूं, ये जो लंबाई की अगर मैं बात करता हूं, तो जरा देखो यहां पर क्या होगा, अगर मैं ए से बी तक की लंबाई की बात करता हूँ, ये वाला एंगल जो आपको दिया गया, ये मान लो 60 डिग्री दिया गया है। कितने डिग्री दिया गया, ये आपको 60 डिग्री दिया गया, ठीक है। तो ये जो ए बी चाप की लंबाई है, ए बी चाप की क्या लंबाई, तो ये बताओ पूरे की लंबाई, अगर हम पूरा सरकमफ्रेंस है ना, ये क्या है, ये तो सरकमफ्रेंस है। तो पूरे सरकमफ्रेंस की अगर हम बात करें तो पूरे वृत्त का जो सरकमफ्रेंस होगा वो तो होगा 2 पाई आर, है ना। लेकिन ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। आपको चाहिए कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। 60 से 60 के 360 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब ये 2 पाई आर अपॉन क्या बन गया, 2 पाई आर अपॉन 6 बन गया। तो ये क्या बन जाएगा, पाई आर बाई 3 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, पाई आर बाई 3 बन जाएगा। तो अगर कभी भी आपको इसकी लंबाई निकालनी है तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे। बोलो ये बात क्लियर हो रही है सभी को? ठीक, अगर आपको इसका परिमाप निकालना है तो आप परिमाप निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, पाई आर बाई 3 आपने ए बी चाप की लंबाई निकाल ली है, प्लस ये आर और ये आर, यानी ये कितना हो गया, 2 आर, ठीक है। तो ये 2 आर आप और ले लेंगे, तो आर कॉमन आ गया, क्या बचा, पाई प्लस 3 प्लस 2, ये क्या हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया। ये क्या हो गया, इस सेक्टर ऑफ सर्किल का पेरीमीटर हो गया। बोलो ये बात समझ आ रही है ना? ठीक, तो इस तरीके से आप सेगमेंट ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक, तो ये बात हो गई भाई हमारी सर्किल की। तो देखो पूरा ट्रायंगल हम लोगों ने समझ लिया, फिर हम लोगों ने क्या समझा, सर्किल समझा। ठीक, अब अगर मैं बात करता हूं क्वाड्रिलेटरल्स की, किसकी बात करता हूं, मैं बात करता हूं क्वाड्रिलेटरल्स की। ठीक है, तो देखो क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या है, समझना, क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब है चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल्स का क्या मतलब होगा, क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब होगा चतुर्भुज। ठीक है, अब देखो चतुर्भुज कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं ना, इन सब चीजों के बारे में अब हमें बात करनी है। ठीक, तो एक बात आप समझ लो, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जब बात होगी तो क्वाड्रिलेटरल्स कितने तरीके के होंगे, 5 तरीके के होंगे। कितने तरीके के होंगे, 5 तरीके के होंगे। ठीक है, कौन कौन से, देखो एक तो एक स्क्वायर होगा यानी वर्ग, रेक्टेंगल, आयत, रोम्बस, समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, है ना, और ट्रेपेजियम आपका एक होता है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो इतने सारे तरीके के हमारे क्या बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटरल्स बन जाते हैं। बोलो ये बात क्लियर हो रही ना? ठीक, तो अब हम लोग समझ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स को, तो उसका फंडामेंटल समझ लो पहले पूरा क्वाड्रिलेटरल्स का, और फिर हम उसके क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो भाई अब हमारा जो क्वाड्रिलेटरल्स बचा है उसको पहले हम लोग समझते हैं अच्छे से कि क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है, ठीक है, और किस तरीके के इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो अब आप हेडिंग डाल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल, क्या हेडिंग डाल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो देखो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हुआ, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। जैसे मान लो आपने इस तरीके से ये कोई चतुर्भुज बना दिया, ये आपने कोई चतुर्भुज बना दिया, ठीक है, ये जो पॉइंट है आपके जो वर्टिसेस हैं यानी जो शीर्ष हैं, ये ए बी सी आप मान सकते हैं। ये आपने ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये आपने सी मान लिया और ये आपने डी मान लिया। ठीक है, ये क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है ये आपका चतुर्भुज है। क्लियर, तो देखो अगर मान लो मैं यहां से एक डायगोनल इस पे खींचता हूं, सपोज दैट मैंने ये डायगोनल खींच दिया, ये मैंने क्या कर दिया, डायगोनल खींच दिया। ठीक, अच्छा ये बताओ अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करता हूं कि किसी भी चतुर्भुज का पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप, आप कहेंगे सर अभी अभी आपने बताया सम ऑफ ऑल साइड्स, तो यहाँ पे सभी भुजाएं जोड़ दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। बोलो क्लियर है बात, ये क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। क्लियर है बात, अच्छा अब अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूँ, एरिया, तो देखो एरिया क्या होगा, जैसे आपने ये बी डी डायगनल खींचा, अब आपने इस पर एक क्या कर दी, एक इस पर हाइट खींच दी H1, ठीक है, और एक इस पर और हाइट खींच दी, कौन सी H2,
इस पे कौन सी हाइट खींच दी आपने, एक एच टू खींच दी, ठीक है, ये हाइट हो गई आपकी एच टू। बोलो ये बात क्लियर है? तो एरिया क्या होता है ये समझ लो, एरिया होगा किसी भी क्वाड्रिलेटरल का 1/2 इंटू बी डी, यानी जिस विकर्ण पर ऊंचाई खींची गई है, इंटू एच वन प्लस एच टू यानी कि दोनों ऊंचाइयों का योगफल। तो देखो क्या फॉर्मूला पड़ गया, देखो पेरीमीटर क्या हो गया, सम ऑफ ऑल साइड्स, एरिया क्या हो गया 1/2 इंटू डायगनल इंटू सम ऑफ हाइट्स। क्लियर है बात? तो ये तो बात होगी भाई क्वाड्रिलेटरल्स की। ठीक, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो देखो होता क्या है, जब आप किसी क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज लगा देते हैं तो वो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। पहला आपका क्या पढ़ना है आपको, पहला आपको पढ़ना है रेक्टेंगल यानी कि आयत, दूसरा आपको क्या पढ़ना है, दूसरा आपको पढ़ना है स्क्वायर, तीसरा आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है रोम्बस, रोम्बस, ठीक है, चौथा आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, ठीक है, और पांचवा आपको क्या पढ़ना है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, रेक्टेंगल से। अब जरा रेक्टेंगल के बारे में पहले समझ लो, ठीक है। देखो रेक्टेंगल होता क्या है, जैसे मान लो आपने ये रेक्टेंगल बनाया, तो रेक्टेंगल की एक खास बात होती है कि इसके सभी शीर्ष पर बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अच्छा, इसकी ये भुजा अगर एल है तो ये भी एल होगी, और ये भुजा बी है तो ये भी भुजा बी होगी, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं पैरेलल यानी समांतर भी होती हैं। ठीक, तो अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करता हूं, समझना, अगर मैं इसके पेरीमीटर यानी परिमाप की बात करता हूं, तो आप कहेंगे दो बार लंबाई जुड़ेगी, दो बार चौड़ाई जुड़ेगी, तो टू टाइम्स ऑफ एल प्लस बी हो गया। ठीक है, अब मैं इसके अगर एरिया की बात करता हूं, तो एरिया एल इंटू क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, और अगर मैं इसके डायगोनल की बात करता हूं, डायगोनल की है ना, तो इसका जो डायगोनल होता है यानी जो इसका विकर्ण होता है वो होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो ये बात क्लियर हो रही ना, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। ठीक, अब दूसरे नंबर पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे ए जो दूसरा फिगर आएगा वो आपका आएगा स्क्वायर, किसका आएगा, स्क्वायर का। ठीक है, तो स्क्वायर देखो, स्क्वायर एक ऐसी आकृति है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ये सभी साइड आपस में क्या होंगी, बराबर, अगर हम ए मान लें तो सभी ए हो जाएंगी। ठीक, तो अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करता हूँ स्क्वायर के, तो इसका पेरीमीटर कितना होता है, देखो पेरीमीटर होता है 4a। ठीक है, इसके अगर मैं एरिया की बात करता हूँ तो एरिया होता है ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, और अगर मैं इसका डायगोनल खींचता हूं तो जो इसका डायगोनल होगा, जो इसका डायगोनल होगा वो हो जाएगा ए रूट टू, वो डायगोनल कितना हो जाएगा, ए रूट टू हो जाएगा। बोलो ये बात क्लियर हो रही है ना। ठीक, और इसी में एक बात समझ लो कि अगर किसी वर्ग के अंदर कोई वृत्त बनाया जा रहा है और किसी स्क्वायर के बाहर से एक वृत्त बनाया जा रहा है, तो एरिया ऑफ सर्कम सर्कल जो होगा, एरिया ऑफ सर्कम सर्किल जो होगा वो बराबर होगा टू टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्किल के। बोलो क्लियर है ना बात? ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये किसके बात हो गई, स्क्वायर की बात हो गई। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज जरा समझिए, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं ना, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं और समद्विभाजित करते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये तो बात होगी भाई स्क्वायर की। ठीक है, अच्छा अब इसके बारे में, इसके बाद हम लोग बात करते हैं पैरेललोग्राम की। किसकी बात करते हैं, पैरेललोग्राम की बात करते हैं। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो एक ऐसा फिगर जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर, ए बी सी डी। क्लियर है बात? तो आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं, यानी कि ए बी जो है वो समांतर हो जाएगा सी डी के, और ए डी जो है ये समांतर हो जाएगा बी सी के। बोलो क्लियर है बात? ठीक, तो भुजाएं समांतर और क्या होंगी, बराबर होंगी। अच्छा, अगर आप किसी भी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण खींच देते हैं, तो ये ए बी है और इसकी लंबाई अगर मैं विकर्ण की सी मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो विकर्ण की लंबाई कितनी हो गई, सी। तो किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देता है। ये चीज याद रखिएगा,
यानी कि एरिया ऑफ एडीसी, ये जो एडीबी, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अब अगर मैं पैरेललोग्राम का पेरीमीटर फाइंड करना चाहता हूं, परिमाप, तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, देखो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा। क्लियर है बात। अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया होता है बेस इंटू हाइट। एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे ये ए बेस है, अब आप इस पे एक हाइट खींच दो ऐसे, आप इस पे एक हाइट खींच दो ऐसे, तो ये हाइट कितनी हो गई एच, और ये कितना हो गया ए, तो क्या हो जाएगा ए इंटू एच। अगर आप हाइट खींचना चाहो तो आप हाइट ऐसे भी खींच सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा फिर, बराबर बी इंटू एच। बोलो बात समझ आ रही है। तो भैया एरिया कैसे निकलेगा, पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट से निकलेगा। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर हुई। पेरीमीटर क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी हो गया। ठीक। तो भाई देखो पैरेललोग्राम भी यहां पर हो गया। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं ट्रेपेजियम की। किसकी बात करेंगे अब हम लोग, बात करेंगे ट्रेपेजियम की। ठीक है, तो देखो ट्रेपेजियम एक ऐसा फिगर है जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और दो साइड्स क्या होती हैं, नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम ट्रेपेजियम कहते हैं। बोलो क्लियर है ना बात। जैसे यहाँ पे फिगर आप समझिएगा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रेपेजियम को। ठीक, तो ट्रेपेजियम पढ़ो जरा। देखो ट्रेपेजियम में क्या होता है कि दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। ठीक, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो ए बी साइड जो है ये किसके पैरेलल है, सी डी के। ठीक, और ए डी साइड जो है ये डस नॉट पैरेलल टू बी सी है। क्लियर है बात। अच्छा, अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करता हूँ, समझना, अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करता हूँ तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। बोलो क्लियर है ना बात। ठीक, अब अगर मान लो मैं यहां से इस पर एक हाइट खींच देता हूं, यहां पर एक मैंने क्या कर दी, हाइट खींच दी, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं कि ये साइड अगर यहां से यहां तक ए है तो यहां से यहां तक ये पूरी साइड कितनी होगी, बी, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट क्या हो गया, एच हो गया। क्लियर है बात। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बोलेंगे। बोले ये बात क्लियर हो रही है ना सभी को। ठीक, ये भी ठीक है। अब बचा क्या आपका, देखिए रोम्बस, क्या बचा, रोम्बस बचा है। ठीक है, तो देखो रोम्बस को समझो क्या होता है। रोम्बस एक ऐसी आकृति है जो बिल्कुल वर्ग जैसी दिखाई देती है, लेकिन इसके शीर्ष पर जो है 90 डिग्री के जो कोण बनते हैं वो नहीं बनते सिर्फ। ठीक, साइड्स ये भी ए ए ए ए होगी। ठीक है, क्लियर है बात। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा बताओ, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4a। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ठीक, अच्छा अगर मान लो इसका एक डायगोनल जो है ऐसे है और एक डायगोनल ऐसे, ये d1 है और ये क्या है, d2 है। ठीक है, तो जो एरिया होगा इसका, एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू d1 इंटू d2, 1/2 इंटू d1 इंटू d2, ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। ठीक, और दूसरी चीज याद रखना कि जो आपका समचतुर्भुज है, यानी कि जो आपका रोम्बस है, इसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर कट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 90 डिग्री पर क्या करते हैं, कट भी करते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, रोम्बस की बात कर रहा हूं। बोलो ये बात समझ में आ रही है सभी को। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पूरा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानकारी हो गई, जो हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए अगर हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो एक बार मैंने सारे फॉर्मूले से आप लोगों को रूबरू करा दिया है, सारे फॉर्मूलों को एक बार थोड़ा सा समझा दिया है। ठीक, तो अब हम लोग आज की क्लास पर चलने वाले हैं और आज की क्लास के जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है कि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। देखो अगर हम एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, मान लो ये आपने एक ट्रायंगल बनाया, इसकी ये भुजा दी गई है 15 सेंटीमीटर, ये भुजा दी गई 13 सेंटीमीटर और ये भुजा दी गई है 14 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर हो रही ना। ठीक है, ये भुजा दी गई है आपको 14 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। ठीक, तो ये कैसा ट्रायंगल है बताओ, ये हमारा हो गया स्केलन ट्रायंगल। क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलन ट्रायंगल के लिए मैंने आपको एरिया का फॉर्मूला बताया था, क्या, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी बताया था, है ना। एस की वैल्यू कैसे आएगी, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू से आएगी। क्लियर है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखो यानी 15
प्लस 13 प्लस 14 बटे कितना हो गया 2, ये 28, 28 चार 32, 32 10 कितना हो गया 5 3 8, 8 4 12, यानी ये हो गया 42, ये 42/2 से कितना आ गया देखो 21 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। एस की वैल्यू हो गई 21। तो जैसे ही हम एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 21 गुणे 21 माइनस ए, यानी कि ये हो गया 21 माइनस 14, ये हो गया 21 माइनस 15, और फिर आगे हो गया आपका 21 माइनस 13। बोलो क्लियर है ना बात। तो ये हो गया 21 इंटू, देखो 21 माइनस 14 हो गया 7, 21 माइनस 15 हो गया 6, और 21 माइनस 13 कितना हो गया देखो 8। क्लियर है बात। ये क्या हो गया देखो 7 गुणे 3, ये क्या हो गया 7 इंटू, ये हो गया 3 इंटू 2, और ये हो गया इंटू 8। देखो यहां से 1 3 बाहर आ गया, 1 7 बाहर आ गया, और 8 दूनी 16 से 1 4 बाहर आ गया। तो 7 3 21, 21 गुणे 4 बन गया, यानी ये कितना आ गया देखो 84 आ गया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि फाइंड क्या करना है एरिया, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया आंसर हो गया, कौन से इस स्केलेन ट्रायंगल के एरिया की, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। समझना बात को, ये आपने एक ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल में बोला जा रहा है इसका जो आधार है वो 12 सेंटीमीटर है, इसका जो आधार है वो 12 सेंटीमीटर है, और इस आधार पर खींची गई जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है, वो 8 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 × बेस × हाइट से आप लगा सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल का बेस और हाइट पता है तो ये वाला फॉर्मूला बिना सोचे समझे आपको अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 1/2 × बेस हो गया 12 इंटू हाइट हो गई 8, 2 से काट देंगे 6 बार, 8 6 कितना हो गया 48, ठीक है। तो एरिया क्या हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दी गई हैं आपको, मान लो एक ये ट्रायंगल हो गया, आपने एक ये ट्रायंगल बना दिया, समझना बात को, ठीक। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, ठीक। अब बोला जा रहा है कि किसी ट्रायंगल की मिड पॉइंट्स को, है ना, किसी ट्रायंगल की 3 भुजाएं, मान लो ये 12 सेंटीमीटर दी गई है, ये 18 सेंटीमीटर दी गई है, और ये आपकी कौन सी 26 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक। अब बोला ये जा रहा है आपसे कि उस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएगा। देखो ये मिड पॉइंट मान लो, ये मिड पॉइंट मान लो, ये मिड पॉइंट मान लो, इन सभी मिड पॉइंट्स को क्या कर दिया गया, आपस में मिला दिया गया है, ठीक है। इसको अगर मैं डी मान लूं, इसको ई मान लूं, और इसको एफ मान लूं, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बोला जा रहा है कि मिलाने पर, बिंदुओं को मिलाने पर इसके ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ फाइंड करना है। एक बात जरा समझो, अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो जैसे ही आपने इस मिड पॉइंट को मिलाया होगा, तो इसका मतलब है ये जो रेखा बन रही है, ये त्रिभुज की जो तीसरी रेखा ए बी है, इसके समांतर और आधी होगी। यानी कहने का मतलब है ई एफ जो रेखा है वो ए बी के समांतर होगी, और ई एफ जो रेखा है ये ए बी बाई टू होगी अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। अकॉर्डिंग टू, लिख देता हूं इसके नीचे मैं समझाने के लिए, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। अगर अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम से ये बात आपकी क्लियर है कि भाई ये जो रेखा है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, ये रेखा त्रिभुज की तीसरी रेखा के समांतर और आधी होगी, तो अगर ये 12 है तो ये कितनी हो गई 6। इसी तरीके से ये जो रेखा है, ये रेखा बीसी की आधी और समांतर होगी, ये 26 है तो ये कितनी हो गई 13। इसी तरीके से ये 18 है तो ये कितनी हो गई 9, ठीक। अब देखो हम यहां से क्या करेंगे, एस निकाल लेंगे, क्योंकि ये हो जाएगा 13 + 9 + 6। बोलो क्लियर है बात। ये कितना हो गया देखो 28, 28/2 कितना हो गया 2, यानी कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू हो गई, एस की, ठीक। अब एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, देखो एस, एस का मान हो गया 14, एस माइनस ए, यानी कि ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14 माइनस 6, फिर हो जाएगा आपका 14 माइनस 9, और फिर हो जाएगा आपका 14 माइनस 12। बोलो ये बात क्लियर हो रही ना, ठीक। तो ये देखिए क्या बन गया, ये बन गया 14, ये बन गया 8, ये बन गया आपका 5, ये बन गया आपका 2। क्लियर है बात।
तो देखो ये बन जाएगा 7 गुणे 2, ठीक, ये बन जाएगा 4 गुणे 2, ये बन जाएगा इंटू 5 इंटू 2, क्लियर है बात। तो देखो जरा एक क्या बाहर आ गया बताओ, चार एक ये देखो बाहर आ गया 2, एक क्या बाहर आ गया, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, 4 से क्या आ गया देखो 2 बाहर आ गया, ठीक है। उसके बाद बचा क्या देखो आपका, ये बचा आपका 7, ये कितना था ये, हाँ 7 था ना, तो ये हो गया 2 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया, 7 इंटू 5 यानी ये क्या बन गया, √70, ठीक है, क्या बन गया, √70 बन गया, ठीक। तो ये बन गया 4 √70, क्लियर है बात, क्या बन गया 4 √70, और √70 की वैल्यू जब आप और सॉल्व करेंगे तो ये कुछ पॉइंट में आएगी, तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, 23.66, क्योंकि √70 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये वैल्यू किस में आएगी, पॉइंट में आएगी, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा बोला जा रहा है किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, समझना आपने एक ही आयत बना दिया मान लो, ठीक है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। तो इसका जो परिमाप होता है आयत का वो क्या होता है, 2l+b होता है, आयत का परिमाप कितना दिया गया है, 56 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक, और लंबाई 15 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये बताओ भाई अगर 2l+b बराबर 56 है तो क्या l+b बराबर 28 सेंटीमीटर होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, और अगर l की बात हम करें तो लंबाई कितनी है देखो 15 सेंटीमीटर, तो 15 + b बराबर कितना हो गया 28, तो b बराबर कितना हो गया 28 - 15 यानी कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। तो देखो भाई l भी पता चल गया, l कितना है 15, b भी पता चल गया कितना है 13, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एरिया, इस रेक्टेंगल का क्या फाइंड करना है, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया इक्वल्स टू होता है एल इंटू बी, ठीक, तो 15 गुड़े क्या हो गया 13 हो गया, तो टोटल कितना आ जाएगा 195, देखो जरा 15 गुड़े 10 कितना हो गया 150, और 15 * 3 = 45 कितना हो गया 195, कितना हो गया 195 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आना चाहिए एरिया, ठीक है भाई। यहां पर कितना है 56, तो ये l+b बराबर 28 हो गया, अब l की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तो l का मान हो गया 15, तो b का मान कितना हो गया 13, l का मान है 15 और ये हो गया 13, तो 15 * 3 = 150 और 15 * 3 = 45, ठीक है, 150 और 45 195 आएगा, ठीक है, यहाँ 175 की जगह आप 195 कर लीजिएगा, 195 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी आयताकार हाल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, समझ लो अगर मान लो मैं लेंथ को एक्स मान ले रहा हूँ या लेंथ को मैं 4, जैसे बोला जा रहा है ना कि आयताकार हाल की चौड़ाई जो है 3/4 है किसकी, लेंथ की, तो लेंथ कितनी हो गई 4x मान लो, ठीक है, और इसकी जो ब्रेथ है, इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी मान लेंगे 3x मान लेंगे, ठीक, जबकि फर्श का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, तो ये देखो कितना हो जाएगा 4x * 3x बराबर कितना दिया गया है 768 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक, तो चार्टियों क्या हो गया देखो 12x² = क्या हो गया 768 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो x² = क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा 768/12, ये हो गया 12 × 6 = 72, ठीक है, और कितना बचा 12 × 6 = 48, यानी x² की वैल्यू आ गई 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी √64, तो x की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर, x की वैल्यू क्या आ गई 8 सेंटीमीटर आ गई, बोलो ये बात क्लियर है ना। तो ये बताओ भाई अगर x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ गई तो बोला जा रहा है लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करो, है ना, तो भाई देखो 4x का मान हो गया 4 * 8, 3x का मान हो गया 3 * 8, तो ये हो गया 8 * 6 = 32 और 3 * 8 कितना हो गया 24, है ना, तो इन दोनों का जो अंतर है ये कितना आ गया देखो 8 ही आ जाएगा, ठीक है, इनका अंतर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा भाई, 4x और 3x इनका अंतर कितना है, इनका अंतर x है और इसी x की वैल्यू ही तो आपने 8 निकाली है, तो x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी कि इनका अंतर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ए ऑप्शन एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा बोला जा रहा है एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, ठीक है, तो देखो भाई अगर मैं लेंथ और ब्रेथ की बात करता हूँ, ब्रेथ अगर मेरी एक्स है तो लेंथ मेरी कितनी हो जाएगी x + 20 हो जाएगी, ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है चारों ओर बाड़ लगाने का जो खर्चा है वो 26.50 रुपए प्रति मीटर की दर से 5300 रुपए। देखो भाई
अगर आप चारों तरफ बाढ़ लगाएंगे इसका मतलब क्या होगा, आप इसका पेरीमीटर कवर कर रहे हैं, आप इसका क्या कर रहे हैं, आप इसका चारों ओर बाड़ लगाने का मतलब है कि यहां यहां पर जब आप बाड़ लगाएंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, पूरा पेरीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देखो 2x+20 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही एल प्लस बी क्या होगा जुड़ेगा इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो गया पूरा पेरीमीटर। ठीक है, ये बात क्लियर है। और आपको पता है कि 26.50 रुपए लग रहा है, ठीक है, तो टोटल खर्चा कितना आ रहा है, 5300 आ रहा है। अब आगे इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो देखो जरा यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x+20 = ये हो जाएगा 5300/53.50, यानी का मतलब क्या हो गया, 26 दूनी 52, यानी इधर सीधा सीधा हो गया 53, 53 से ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया 100 और 20 इधर माइनस हो जाएगा, तो 2x = 80, तो x = कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। अगर x की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है तो x+20 की वैल्यू हो जाएगी 40+20 यानी कि 60 सेंटीमीटर। क्लियर है बात, ये क्या हो गई लंबाई और ये क्या हो गई आपकी चौड़ाई हो गई, बोलो क्लियर है बात। तो प्लॉट की लंबाई कितनी होगी ये पूछा जा रहा है, तो प्लॉट की लंबाई कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर हो जाएगी प्लॉट की लंबाई। तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या ये चीज क्लियर हो रही है सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण का अनुपात 2:3 है। देखो भाई एक समचतुर्भुज मान लो हमने बना दिया ये, ठीक, इसका एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है, ये विकर्ण D1 और D2 हम लोग मानते हैं, तो D1 और D2 का रेशियो मान लो दिया गया है, क्या रेशियो दिया गया है, 2:3 दिया गया है। ठीक है, अब बोला जा रहा है यदि उसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है तो चतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो अच्छा एक चीज बताओ, D1 और D2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x, ऐसा कुछ मान सकते हैं। तो एरिया क्या होता है, देखो एरिया होता है 1/2 × 2x × 3x, क्लियर है बात, इक्वल्स टू कितना दिया गया है, 1200 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। ठीक, तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x² = हो गया 400 मीटर स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 20 मीटर आ गई, x की वैल्यू कितनी हो गई, 20 मीटर। ठीक, अगर x की वैल्यू 20 मीटर है तो एक विकर्ण है 2x और एक विकर्ण है 3x, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 2 × 20 यानी कितना हो गया, 40, और ये 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 20 यानी कि 60। अगर ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं तो अगर मैं ये पूरा 40 मान लूं तो ये कितना हो जाएगा, 20, और ये पूरा 60 मान लूं तो ये कितना हो जाएगा, 30। क्लियर है बात, अब मुझे इसकी वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये क्या हाइपोटेन्यूस हो जाएगा इस वाले, अगर मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो यानी कि जो भुजा है, भुजा बराबर हो जाएगा रूट, है ना, एक डायगोनल हो गया 20 का स्क्वायर और एक डायगोनल हो गया 30 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो गया 400 और 30 का स्क्वायर हो गया 900। बोलो बात समझ में आ रही है ना, ठीक, इतनी चीज क्लियर हो रही है कि नहीं भाई, ठीक है, ठीक, तो 20 और ये हो गया 30, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9×4 = 1300, कितना हो जाएगा, 1300, है ना, ठीक है भाई, तो 1300 का मतलब हो गया √13 × 100, तो ये हो जाएगा 10√13, 10√13 हो जाएगा, है ना। अच्छा आपसे पूछा क्या जा रहा है, चतुर्भुज की भुजा पूछी जा रही है, ठीक है, तो आप इस तरीके से कुछ कर सकते हैं भाई, देखो भुजा निकाल ली है ना, तो 1/2 × D1 × D2, 2 से 2 कट गया, ठीक है भाई, 3x² = 1200, x² = 400, x की वैल्यू आ गई 20, अगर x की वैल्यू 20 है तो एक हो गया 40 और एक हो गया 60, अच्छा ठीक है भाई, तो ये हो गया 20 और ये कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है ना, ये 20 हो गया और ये कितना हो गया, 30 हो गया, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, तो ये हो गया √1300, √1300 की वैल्यू हो जाएगी 10√13, जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, रूट 13 को जब आप सॉल्व करेंगे, है ना, तो 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये आ जाएगी आपकी 2 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, यानी 3.5 के लमसम होगा, 3.5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, 4×3 = 12.25, है ना, और अगर 3.6 का स्क्वायर करते हैं तो जरा देखो 6 का स्क्वायर 36 और ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, है ना, और फिर 6×3 = 18, 18×2 = 36, ये हो गया 6×3 = 9, 9×3 = 1296, यानी ये हो जाएगा 12.96, ठीक है, तो ये 3.6 आ जाएगा अप्रोक्स, 3.6 × 10 करेंगे तो ये 36, यानी अप्रोक्स जो वैल्यू आएगी
वो 40 के आसपास आएगी, कितनी आएगी 40 के आसपास आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है तो उसका विकर्ण क्या होगा। देखो भाई सीधी सी बात है, मान लो ये वर्ग है, इसकी एक भुजा ए है, तो ये बताओ ए स्क्वायर बराबर कितना दिया गया, 256, तो ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर हो गया रूट 256, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 16, ठीक, यानी कि ए बराबर आ गया 16 मीटर। एक वर्ग की भुजा 16 मीटर है तो उसका विकर्ण क्या होता है, देखो इसका विकर्ण होता है ए रूट टू, यानी आंसर क्या हो जाएगा 16√2 मीटर हो जाएगा, 16√2 मीटर ये आंसर हो गया, ठीक। तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि ये पॉइंट में दिख रहा है और रूट टू की वैल्यू 1.414 रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज हमें यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, ये हो गया, बोला जा रहा है किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर और उनके बीच की लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखो भाई ये समलंब चतुर्भुज है, ये इसके बीच की क्या हो गई लंबवत दूरी, ये क्या हो गई समांतर भुजाएं, एक 30 सेंटीमीटर और एक 25 सेंटीमीटर, तो ये 25 हो गई मान लो, ये 30 हो गई और ये 18 हो गई। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, यानी कि 25 प्लस 30 गुणे ऊंचाई कितना हो गया 18, ठीक है। तो 25 और 30 कितना हो गया, देखो 55 गुणे 2 क्या हो जाएगा 18, यानी ये हो गया गुणे 9, 9 अपना 45, 9 अपना 45 4 49, यानी 495 आएगा आंसर, क्या आएगा 495 आ जाएगा। बोलो क्लियर है ना बात भाई, 30 और 25 कितना हुआ 55, इधर कितना हो गया देखो गुणे 18, तो 2 18, 9 45, 9 45 495 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन सही कर लीजिएगा भाई, 405 की जगह ये कितना होगा 495, यानी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, यदि वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, समझना बात को, ये कोई वृत्त है, इसकी ये क्या है रेडियस है। अब बोला जा रहा है यदि किसी वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने गुना, उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, बताओ उसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई 2r का होल स्क्वायर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा पाई 4r स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया 1:4, यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि एरिया क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा आगे बोला जा रहा है कि 150 मीटर लंबे, समझना, ये मान लो कोई आयत है 150 मीटर लंबा है और 120 मीटर चौड़ा है, 120 मीटर चौड़ा है तो इसका क्षेत्रफल 150 गुणे कितना हो गया 120 हो गया, ठीक। अब बोला जा रहा है आगे चौड़े भाग के बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, ठीक है भाई, ये बीचों बीच आपने क्या कर दिया एक रास्ता बना दिया समकोण पर काटते हुए, ठीक है, समकोण पर काटते हुए एक रास्ता बनाया गया है, तो एक ये रास्ता आपका बन गया समकोण पर काटते हुए, ठीक है ना, ठीक। और 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते में मिट्टी के कूटने का खर्च क्या होगा, तो सबसे पहले रास्ते का क्षेत्रफल निकालो, देखो ये इसकी लंबाई कितनी हो गई 150, ठीक, इसकी चौड़ाई कितनी है देखो 10 मीटर चौड़ाई है, 150 × 10 कितना हो गया 1500 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा अब इसी तरीके से इसका देखो जरा, इसकी लंबाई कितनी हो गई 120 और चौड़ाई कितनी है 10, तो ये हो गया 120 × 10, यानी ये कितना हो गया देखो 1200 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक, तो 1200 × 1500 टोटल कितना हो गया 2700 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये बताओ ये जो बीच वाला पार्ट है ये तो डबल बार आ रहा है ना, ये जो बीच में यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो ये तो एक स्क्वायर हो गया और स्क्वायर के लिए यानी 10 का स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर, तो हम इसे क्या कर देंगे माइनस, यानी टोटल कितना आ गया देखो 2600 मीटर स्क्वायर आ गया, यानी कि जो एरिया जो बच रहा है अब आपका कौन सा एरिया, आपका जो ये वाला एरिया बच रहा है ये और ये यहां से और यहां से ये, इसको छोड़ करके बीच वाले को छोड़ करके, ठीक है, तो ये 2600 मीटर स्क्वायर बचा। अब बोला जा रहा है कि एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो 2600 मीटर स्क्वायर गुणे कितना हो गया 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कितना रुपए खर्चा होगा 5200 रुपए खर्चा होगा, 26 × 52, यानी 5200 रुपए खर्चा होगा, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए नेक्स्ट बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज और उसके 3 शीर्षों के केंद्र को मानकर, देखो भाई एक आपने ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, अब ट्रायंगल के जो शीर्ष हैं इनको केंद्र मान करके क्या किया गया है,
कुछ वृत्त खींचे गए हैं। देखो 3.5 इंच व्यास के 3 समान वृत्त खींचे गए हैं, तो उन भागों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्तों में पड़ते हैं। देखो जरा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक, इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये टोटल इनका क्या करना है, निकालना है क्षेत्रफल, ठीक। तो जरा एक बात समझो यहां पर, देखो अब इसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक इंफॉर्मेशन और दी होनी चाहिए कि ये जो हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो त्रिभुज है ये कैसे त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का मतलब हो गया समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला कोण कितना हो गया, देखो 60, ये वाला कोण भी कितना होगा 60, और ये वाला अंदर वाला कोण भी कितना होगा 60, जो सफेद सफेद पेंट है ये, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर मैं इस पूरे की बात करता हूं तो 60 60 60 यानी कि 60 डिग्री एंगल के अगर 3 सेक्टर ऑफ सर्किल है तो कितना हो गया 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर बटे दो क्षेत्रफल, क्योंकि पूरे का तो पाई आर स्क्वायर होगा, वृत्त का आधा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे दो। तो पाई की वैल्यू क्या हो गई, देखो 22/7 हो गई, इंटू आर स्क्वायर, देखो ये क्या है 3.25 व्यास है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 3.5/2 गुणे 3.5/2 आर स्क्वायर है, और इंटू क्या हो गया 2 हो गया। बोलो क्लियर है बात, ठीक। अब देखो जरा इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 7×35 यानी 0.5 हो गया, ये पॉइंट हटेगा इधर 0 आ जाएगा, ये हो गया 5×20, ठीक है, 2 से कट जाएगा कितनी बार, 11 बार, ठीक है। अब देखो जरा ये हो गया 11 × 3.5 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक। तो 3.5 × 11 कर लोगे, ये कितना हो गया 35, और ये हो गया 35 यानी ये हो गया 385 है ना, और ये हो गया 8/8, तो ये हो जाएगा 8×32। अब देखो ये कितना हो गया 8×32, ये हो गया कितना 35, फिर उसके बाद फिर 8×32 सॉरी इधर कितना आ गया 6 65 बन जाएगा, फिर 8×8 64, फिर 1.0 हो जाएगा, फिर 8×1 8 यानी 4.81 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4.81। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि उन भागों के द्वारा कुल घिरा क्षेत्रफल जो वृत्तों के अंदर पड़ता है वो हो जाएगा 4.81, वो कितना हो जाएगा 4.81 हो जाएगा, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं 2D फिगर के, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।